इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ, बहादुरगढ़ से जानकारी, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कार्यालय के गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी की। 30 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन यहां पर किया गया। बिजली विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग प्रशासन से की और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। तो 30 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन यहां पर निगम के कर्मचारियों के द्वारा देखने को मिला। आपको बता दें कि बिजली विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग यहां पर कर्मचारियों के द्वारा और प्रशासन को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यहां पर दी। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन यहां पर किया गया और आपको बता दें कि 30 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन मांगों की ओर कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दे रहा है। लगातार कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर कर्मचारी बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जो है वो खत्म नहीं की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो कर्मचारी अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे सहयोगी जगदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर रहे थे। जगदीप, जिस तरीके से कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं इनमें? देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि एक तो समान काम समान वेतन कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कच्चे कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा दी जाए। और 30 सूत्री जो मांगों को लेकर इन्होंने आज प्रदर्शन किया है, प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि अन्य विभागों की तरह जो पक्के कर्मचारी हैं, जिनको जो सुविधाएं उनको मिल रही है, वो सुविधाएं हमें भी मिले। जी अभिषेक। जगदीप, जिस तरीके से कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 30 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ पर कर्मचारियों का, अधिकारी किस तरीके से पेश आ रहे हैं उनसे? देखिए, अभी तक कोई अधिकारी से इस बारे में किसी से कोई बात नहीं हुई, अधिकारी कोई सामने नहीं आया है। लेकिन कर्मचारियों का वही कि नियमित भर्ती करने वाले कच्चे जो कर्मचारी है उनको पक्कों वाली सारी सुविधाएं दी जाए, हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने किए जा रहे हैं। जी अभिषेक जी, जगदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से हमारे सहयोग जगदीप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां उन्होंने दी कि समान काम समान वेतन जो मुख्य मांग है यहां पर कर्मचारियों की, उसको लेकर यहां पर हड़ताल पर बैठे और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी प्रशासन के यहां पर दी गई है। पर कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी जो है वो जाएंगे। तो ये बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही हैं।